नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई जनसंख्या नीति को मुफ्ती असद काश्मीर ने बताया गलत। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी सरकार जो तैयारी कर रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रिज्क का मालिक खुदा है। इंसान की दुनिया में आने से पहले खुदापन इंसान की रिज्क का इंतजाम फरमा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपका सवाल है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, तो इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी सरकार जो तैयारी कर रही है वो इंतहाई गलत है। योगी सरकार को इस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिज्क का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इंसान के दुनिया में आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के रिज्क का इंतज़ाम फरमा देते हैं। तो योगी सरकार को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी शख्स के दो या दो से ज़ायद बच्चे होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो योगी सरकार को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिज्क का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो जानता है कि किसको कहां से खिलाना है। सरकार को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त में इस तरह के कानून लाना, मैं ये समझता हूँ कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और बीजेपी के पास में इस वक्त में कोई मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया और दूसरे मुद्दे बीजेपी सरकार के पास में नहीं रहे, तो इसलिए इस तरीके के मुद्दे लाकर हिंदुस्तान वासियों को बहकाने के काम किए जा रहे हैं ताकि कौम को मुंतशिर किया जाए। इस तरह के कवानीन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं बीजेपी सरकार इसी तरीके के कानून इसी तरीके के प्रोपगंडे करती है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी सरकार इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारा सूबा किस तरीके से तरक्की करे, सूबे के अंदर रहने वाले लोग किस तरीके से खुशहाल रहें, हमारे सूबे के लोगों को नौकरियां मिलें, हमारा युवा आगे बढ़े और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तरक्की हो, हमारे प्रदेश के अंदर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान बाकी रहे और भाईचारा बना रहे। इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत है, ना कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून बनाने की ज़रूरत है। हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करते हैं और इस तरह के कानून को खारिज करते हैं।